बेसिक सा इंटीरियर इस वाले टॉप मॉडल के सीट्स का लुक देने वाले हैं, प्लस एक्सल पे भी आपको कोई लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं दिखने वाली। बहुत पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज जो मैं गाड़ी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, मैं बहुत दिनों से इस कार का वेट कर रही थी कि गाड़ी का ये वाला वेरिएंट मेरे पास कब आएगा और मैं पूरी पूरी फ्री रहूँगी इस गाड़ी में कुछ डिफरेंट स्टाइल का वर्क करने के लिए। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द वन एंड ओनली द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, महिंद्रा स्कॉर्पियो। एंड जैसा कि आप देखें, अब बात करते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट के बारे में। तो ये है इस गाड़ी का Z4 वेरिएंट। चलते हैं इंटीरियर की तरफ पहले, फिर बाद में एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर्स के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि इंटीरियर्स चेंज करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके डोर की, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉफ्ट फील टच देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह आपको प्लास्टिक्स देखने को मिलेंगे। मैट फिनिश में इसकी पावर विंडोज देखने को मिलेगी, बट इस बार इन्होंने डैशबोर्ड पे, यू नो, आपको ऐसा फील होगा कि डैशबोर्ड पे लेदर ऐप लगा हुआ है, बट नहीं, इट कंप्लीट जो है वो प्लास्टिक लुक है, वो आप देखिए। आमरेस भी इसका कंप्लीट तरीके से प्लास्टिक है, गेयर कंसोल वाला भी कंप्लीट तरीके से प्लास्टिक है, और इसकी जो सीट्स का लुक है वो कुछ इस तरीके से ड्यूअल टोन फैब्रिक में आपको इसकी सीट्स देखने को मिलती है, जिसको अभी हम लोग चेंज करके लेदर में अपना इंस्टॉल करेंगे, और वो कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साथ ही में आप इसका स्टेयरिंग देख सकते हो, स्टेयरिंग पे भी आपको कोई लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं दिखने वाली। बहुत ही बेसिक सा इंटीरियर इस वाले Z4 वाले वेरियंट में आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, अभी हम इसको तो वैसे टॉप मॉडल की सीट्स का लुक देने वाले हैं, प्लस एक्सटीरियर में भी काफ़ी सारी एक्सेसरी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसे ही सारी एक्सेसरी इंस्टॉल होती है और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर। स्कॉर्पियो एन की जो सीट्स थी, फैब्रिक सीट्स को रिमूव करके फुली स्टील सीट्स को हम लोगों ने कस्टमाइज कर दिया है। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले डुअल टोन में ही हम लोगों ने रेडी किया है, जैसा इंटीरियर आता है उसी से मैचिंग की हम लोगों ने इसके सीट्स रेडी की है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। सो गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कार के अंदर हम लोगों ने सीट्स के लिए अपना प्योर जेन्युइन नापा लेदर यूज़ किया हुआ है। फिनिशिंग फिटिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल अप टू द मार्क आपको मिलने वाली। बिकॉज आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग कस्टमाइज सीट्स में डील करते हैं, तो हमारे पास लूज कवर्स एंड बकेट कवर्स नहीं होते हैं। डुअल टोन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, कॉफी ब्राउन टैन बोल सकते हो, आप इस कलर को डार्क टैन बोल सकते हो, और ये नियरेस्ट टू कॉफी ब्राउन के है। सो आप देखेंगे सिंपल सोबर हम लोगों ने इसके अंदर डिजाइन दिया है। साइड्स और जितना भी इसका बैक है, डेट इज टोटली ब्लैक कलर के अंदर है हमारा, वो आप देख सकते हैं। हेवी कुशनिंग हम लोगों ने सीट्स के अंदर एड ऑन कर दी है, तो यस, अब मैं भी सीट्स पे बैठी हूँ तो यस, ऑलरेडी जो इसका पोस्टर है सीट्स का वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो ओल्ड वाली हमारी देसी स्टाइल वाली स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो प्लास्टिक और ओल्ड स्कॉर्पियो जो पहले आती थी, उसकी जो सीट्स थी वो बिल्कुल कम्फर्टेबल नहीं थी। उसके कंपेयर अगर मैं इसके सीट्स पर उसको करूँ, क्योंकि कार लग्जरी सेगमेंट के, तो भाई बहुत बहुत कम्फर्टेबल इसकी सीट्स आपको देखने को मिलने वाली, बहुत कम्फर्टेबल है। साइड से भी कुछ नहीं की है हम लोगों ने, बाग भी इसका मतलब फेडवर्क भी यूज़ किया होगा ताकि हमारे इंटीरियर के साथ मैचअप हो सके कम्प्लीट तरीके से। फ्रेंड लोग आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर हमने एक बार आपको भी ऐसा लेकर चेकअप कराई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कम्प्लीटली ब्लैक तरीके से है, तो आप देखिए पूरा ब्लैक है। नीचे की तरफ हम लोगों ने ऑरिजिनल कारपेट बिडिंग में लगाया है, इसके लिए आपको सीट जो है वो बिल्कुल ऑरिजिनल जैसी लगती है, आपको आपको नहीं लगेगा कि सीट के अंदर या इस कार की सीट के अंदर कुछ इस तरीके का आपको मिलता है यहाँ पे, भी हमने प्रॉपर तरीके से। अब आपको थोड़ा सा टाइमिंग पर मिलना चाहिए, इस वजह से अगर टाइमिंग सा लग रहा हो कि हम लोग अवॉइड करके आप बस फिनिशिंग एंड फिटिंग से देखिए, वो बिल्कुल अप टू द मार्क आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस कॉस्ट के बारे में, कॉटी एंड सीट को रेडी करने में क्या कॉस्ट है, अगर मैं स्टार्टिंग रेंज की बात करूँ तो ये 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। उसके
उसके बाद डिपेंड करता है लेदर क्वालिटी पे कि आप लेदर क्वालिटी क्या लोगे, कौन सा पास काफी सारे रेंज अवेलेबल है, आपको लेदर मिली और काफी सारे रेंज अवेलेबल है प्योर लेदर मिली। तो आपको क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा विजिट करना होगा। विजिट करने के लिए आपको यू नो कॉल करनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए। तो वो जो नंबर रहेगा वो रहेगा 7279939। विजिट करने के लिए लोकेशन आप नीचे देख सकते हो, प्लस हम आपको व्हाट्सएप पे भी लोकेशन शेयर कर देते हैं आपको होगा हमारा आउटलेट पे विजिट करने के लिए। सो ये तो था कि हम लोगों ने टॉप मॉडल जैसा इंटीरियर लुक ही दिया है, बट यस मैं यू नो मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं इसका कलर भी चेंज करूँ, कुछ डिफरेंट स्टाइल के अंदर करूँ। सो वो भी लेके आते हैं बहुत जल्दी ऐसी कोई नई वीडियो। सो गाइस फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कार के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।